अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में होंगे, सब इंजॉय कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में। तो आज हम बना रहे हैं देसी दाल का तड़का। हाँ जी, तो देसी दाल का तड़का कैसे बनेगी? तो एक दाल रेसिपी है, उसमें हम देसी इंग्रेडिएंट्स सब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? तो हम बताएंगे आपको कैसे बनेगी देसी दाल का तड़का। तो सबसे पहले हमने लिए है 1.5 पाव के करीब है ये मूंग मसूर की दाल, ठीक है ना? हमने इसको धो के अच्छे से धो के और साफ करके पानी में भिगो दिया था अपने ही पानी में, ठीक है, 15 मिनट के लिए। और उसके बाद हमने लिया है देसी लहसुन, ठीक है ना, छोटे छोटा ही बारीक बारीक काट लिया है हमने। हमने लिया है तकरीबन आधी पोटी, ठीक है ना। 1 चम्मच दी हमने हल्दी, 1 खाने का चम्मच। हरी मिर्चें लिए हमने देसी वाली हरी मिर्चें, देखिए छोटी छोटी हरी मिर्चें हैं, देसी हरी मिर्चें हैं, ये तेज़ भी होती हैं, तो हमने ले ली है तकरीबन 15 से 20 ले ली है। इसको हम बारीक बारीक काट के डाले। जीरा ले लिया है इस तरफ हमने 1 टेबल स्पून लिया है, देसी घी है ये हमने आधी प्याली ले ली है देसी घी, ये तड़का लगाने के लिए, ठीक है ना। तो साबुत मिर्चें हैं भी हमारी आ रही हैं, तो साबुत मिर्चें हैं वो भी तड़का लगेगी। और इधर हमने गर्म बॉइल कर लिया है पानी, ठीक है ना, क्योंकि हमने जब भिगोई हुई दाल हम गरम गरम पानी में डालेंगे तो हमारा इंशाल्लाह अच्छे देसी अंदाज से बनेगी, हल्की आंच पे बनेगी, ठीक है ना। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बनेगी। अब हम इसमें पानी हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम डालते हैं इसके अंदर दाल। ये देखेंगे बिल्कुल फॉल गया है, हम इसके अंदर डाल देते हैं दाल। एकदम दाल इतनी ज़बरदस्त बनेगी, बिल्कुल खिली खिली बनेगी, वो एक बनती है फटी फटी वो नहीं बनेगी, बिल्कुल एक अच्छी से दिखाएंगे हम इंशाल्लाह आपको कि हमारी खानदानी दाल है किस तरीके से बनती है, ठीक है। और उसके अलावा हम आपको एक मिर्चें भी बना के दिखाएंगे, वो कल की रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी खानदानी मिर्चें हैं इंशाल्लाह बना के दिखाएंगे, वो भी आपने नहीं बनाई होंगी, कभी नहीं बनाई होंगी क्योंकि खानदान की हमारी है ना, ठीक है ना जी। ये देखें हम इसमें डाल के, ये देखें अभी बस हम इसमें ऐड कर चुके हैं दाल, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह हमारा 1 मिनट में ही उबाल आ जाएगा। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं देसी लहसुन, ठीक है ना। तो देसी दाल है तो देसी तरीके से ही बनेगी और देसी लहसुन ही बनेगा, ठीक है ना। हम ये सारा ऐड कर देंगे, हम दूसरा लेंगे उसके लिए देसी तड़के के लिए, दूसरा देसी लहसुन लेंगे, तो देसी घी में तड़का लेंगे, ठीक है ना। अभी देखें इसमें उबाल आता है, फिर हम आपको बताते हैं और क्या डालेगा इंशाल्लाह। ये देखें बस हमारा उबाल आ चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे देसी हल्दी। ये हमने साबुत हल्दी लेके इसको पीस लिया था, ठीक है ना। तो हमारी देसी हल्दी है, चूँकि देसी दाल बन रही है तो इसमें तकरीबन सभी चीज़ें देसी ऐड होती हैं, ठीक है। ये देखें जी, हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद हम इसमें ये हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डालेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। कितनी ज़बरदस्त ये दाल तैयार होगी हमारी, देसी दाल का तड़का, ठीक है ना। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी दाल में उबाल आ चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये हरी मिर्चें, ठीक है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर रख देंगे। तो देसी दाल का तड़का हमारा तैयार हो रहा है, ऐसा हम ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसी ये ज़बरदस्त सी दाल पकेगी, देसी दाल का तड़का हमारी खानदानी दाल, ठीक है ना। हम इसको ढक के रख देते हैं। की तरफ जा रही है, देखें अभी फटना शुरू हो चुकी है, जैसा कि हम बना रहे हैं देसी दाल का तड़का, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे क्या,
सा घोटा लगाएंगे। अब हम इसमें लगाएंगे घोटा, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल रेडी है, हम इसमें घोटा लगाएंगे। उसके बाद हम बताते हैं इसमें क्या करना है, हमारी देसी दाल के तड़के में। इस तरीके से हम इसको घोटेंगे दाल को, ठीक है। घोटने के बाद हम दिखाते हैं, ठीक है, जस्ट आगे का प्रोसीजर क्या है। देखिए जनाब, हमने इसमें दाल में घोटा लगा दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा हरा धनिया भी काट के रखा है, हरा धनिया ऐड करेंगे। नमक भी ऐड कर दिया, इसमें सब कुछ ऐड कर दिया। देखिए नमक आपके सामने ही डाला है, रेडी हो चुकी है देसी दाल का तड़का। अब इसमें देसी तरीके से देसी घी का और देसी लहसुन का देसी साबुत मिर्चों का तड़का लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए देसी दाल की मिर्ची कैसे होती है, छोटी छोटी सी बिल्कुल, इसको तड़का देंगे और इसमें डालेंगे तड़का। ओके व्यूअर्स, अब हम लगा रहे हैं दाल में तड़का, ठीक है ना जी। तो ये देख लो, हम देसी घी डालेंगे, इसमें डालेगा हमें देसी घी गर्म होने पर हम इसमें बढ़िया रस्ता ऐड करेंगे, फिर जीरा। उसके बाद सबसे आगे हम साबुत मिर्च ऐड करेंगे। माशाल्लाह ये दाल लग रही है, तो मिलता है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मिलता है ये भी कलर आया ये दाल के तड़के में। क्योंकि हम यहाँ आपके लिए ही मेहनत करते हैं, तो देसी दाल का तड़का खुशबू इतनी लाजवाब है कि आप बनाएंगे हमारी रेसिपी से तो आप भी कभी दिल खुश हो जाएगा खुशबू सुन सुन कर, और फिर खाने के बाद तो दोबारा ही हो जाएगा, ठीक है ना जी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देसी दाल का तड़का तैयार है। इधर चावल तैयार है हमारे जीरे वाले, और ये सलाद है, ये अचार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रात का खाना रेडी है, जिसे गर्मियों के मौसम में रेडी।
सीखा हमारे से। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, ठीक है ना जी। अपने दुआओं में याद रखिए। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त अब घर वाले हमारे खाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। और ये चावल की रेसिपी भी हमने दाल अपलोड कर रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है ना जी। हमारे चावल की रेसिपी भी तो देखिए, अलहमदिल्ला हमारे चावल दाल अचार सैलड सब चीज़ें तैयार हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफिज़।